हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप शर्मा और इस शो का नाम है मेरी कहानी मेरी जुबानी। और मैं आज के इस एपिसोड का होस्ट नहीं हूं। जी हाँ, आज का जो एपिसोड है ना, बड़ा ही स्पेशल है और वो बड़ा ही खास होने वाला है। आज मैं आपको बताऊं, पहली खास बात यह है कि आज हम उस इंसान को ग्रिल करेंगे जो इस शो का असली होस्ट है। जी हाँ, उसके बारे में सिर्फ थोड़ी सी बात बताऊंगा। उसने अब तक करीब 500 से ज्यादा फिल्में और टीवी सीरियल्स कर लिए हैं और ऐसा कोई भी किरदार बचा नहीं है जो इस बंदे ने ना किया हो। मैं बात कर रहा हूं मेरे भाई सुजैल खान की। जी हां, जो इस शो के असली होस्ट हैं। और दूसरी खास बात, उनको ग्रिल करने आ रहे हैं, मतलब उनसे क्वेश्चंस करने आ रहे हैं, उनका इंटरव्यू करने आ रहे हैं कि ऐसा चेहरा जो आप कोई भी चैनल खोलो वो नजर आता है, जिसको हम कहते हैं एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड का किंग। जी हां, मेरे दिल अजीज दोस्त, बेहतरीन कलाकार और उससे भी बेहतरीन इंसान, खुश मिजाज पीयूष थापर जी। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, सीधा लेके चल रहा हूं आपको थापर जी के पास और सुजैल के पास। सुजैल खान से सुनिए उसकी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं गिरीश थापर, फिल्म एंड टीवी कलाकार। आज मुझे मेरे बड़े भाई संजीव जी ने एक जिम्मेदारी सौंपी है और मुझे उस शख्स का इंटरव्यू करना है जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है, और हमेशा हमारे समाज में भी ऐसा कहा जाता है कि चिराग तले अंधेरा, हमेशा चिराग के तले अंधेरा होता है। लेकिन आज हम उस अंधेरे को चिराग के नीचे से भी लेकर आएंगे। वो शख्स का नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो शख्स राइटर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, एक्टर है, वन मैन आर्मी से कहते हैं। उसका नाम है सुजैल खान और मैं अब आपको लेकर जा रहा हूं सुजैल खान साहब के साथ। अरे सुजैल भाई नमस्कार। सुजैल भाई, पूरा हमने पार्क ढूंढ मारा लेकिन आप कहीं नजर नहीं आए। नमस्कार दोस्तों, मैं गिरीश थापर आज अपने भाई सुजैल खान साहब का इंटरव्यू लेने आया हूं। यह जिम्मेदारी मुझे संजीव जी ने सौंपी है। सुजैल भाई, सबसे पहले तो आपका मेरी कहानी मेरी जुबानी में बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि जो शख्स 500 लोगों को पकड़ पकड़ कर उसका इंटरव्यू कर सका, आज हमें उसे पकड़ने में कितनी मुसीबत होगी हम जानते हैं कि उन्होंने क्या शिद्दत से वो 500 इंटरव्यू लिए होंगे। सुजैल जी के बारे में यही कहूंगा सिर्फ कि फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, सुजैल जी आपको भी जिद है वहीं आशियाना बनाने की। और किसी ने भी आपके हौसलों को जो गिराने की ठान रखी है ना, वो भी ये जान ले कि सुजैल खान ने भी हथेली पे जान रखी है। तो सुजैल भाई, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आप कहां के रहने वाले हैं और आपका ये फिल्मी सफर कैसे शुरू हुआ। दोस्तों नमस्कार, मैं सुजैल खान, आप सबका दोस्त। पहले तो मैं ये सब बताने से पहले एक चीज बताना चाहता हूं। जब ये हमारी बात ही प्लान हुआ तो जो हमारे चैनल से हमें मिला कि हमारा जो इंटरव्यू लेंगे संजीव शर्मा जी, अरे वाह, तो बातचीत चल रही थी। फिर संजीव शर्मा जी ने बोला कि आपका इंटरव्यू लेने वाले तो एक ही शख्स हैं, गिरीश थापर। जब मैंने आपका नाम सुना तो मैंने बोला यार, उनके शेर और शायरी इतने ज्यादा होते हैं और इतने प्यारे शेर और शायरी, उतना अंदाज उनका निराला, उनकी बुलंद आवाज है, आपकी आवाज के सामने मैं इंटरव्यू देने के लिए हिम्मत नहीं थी, छुपता रहता था कि इंटरव्यू कैसा नहीं। संजीव शर्मा जी ने मुझे बोला वो इधर उधर है, फाइनली मैं कह दूसरा। मैं हूं सुजैल खान, मैं आगरा का रहने वाला हूं। मेरा जन्म ग्वालियर में हुआ था लेकिन उसके बाद पापा फौज में थे, तो जैसे आप जानते हैं कि फौज में जो लोग होते हैं तो उनके ट्रांसफर होते रहते हैं, तो मेरे पापा का ट्रांसफर हुआ आगरा में। आगरा में मैंने पढ़ाई की हिंदी मीडियम से की, एक ज्ञान भारती स्कूल से पढ़ाई राजेंद्रा में भी की, जो स्कूल थे छोटे अलग तरीके से, तो वहाँ पे कभी कभी प्रोग्राम होते थे जो 26 जनवरी 15 अगस्त, कुछ कल्चर एक्टिविटीज, तो उसमें मैं कुछ ना कुछ करने के लिए सोचता था। कहते थे कि मैं एंकरिंग बहुत अच्छी करता हूँ, होस्ट कर लेता हूँ, तो गाना भी गा लेता हूँ, तो एक एक्टिंग का कीड़ा होता है वो एक कीड़ा, उस कीड़े ने मुझे किसी ने बोला इतना अच्छा दिखता है, शक्ल से अच्छी लंबा चौड़ा है, फिल्मों में ट्राई कर। और फिल्मों में हमारा रिलेशन भी सब कुछ है लेकिन आप तो जानते हैं कि यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता, तो मुंबई के लिए आना था और पापा फौज में थे तो डर भी था। इत्तेफाक हुआ कि मैं एक बार फेल हो गया हिंदी में, और जब मैं हिंदी में फेल हुआ तो मैंने डर के मारे आगरा छोड़ दिया। आगरा छोड़ के मुंबई आ गया और मुंबई आने के बाद जो कि हर एक स्ट्रगलर करता है बहुत सारी मेहनत, तो कुछ लोगों का कहना था कि कोई काम नहीं है तो पहले कहीं पे काम करो, किसी ने बोला कि यहाँ पे शर्टें बिकती हैं शर्टें बेचो, किसी ने बोला कि ये पाव वगैरह बनते हैं उसके आटे माटे की मील में जाओ, मतलब जगह जगह पे किसी ने बोला कि एक्सप्लोरर बन जाओ। अब दिमाग में तो एटीट्यूड था कि पर्सनालिटी हीरो वाली गोरे चिट्टे हैं, तो लेकिन फिर भी यहाँ कहना चाहता हूँ कि गोरे चिट्टे इसमें टैलेंट भी होना जरूरी, और सबसे बड़ी बात सर किस्मत, और ये किस्मत ही है जो आज मैं इतने बड़े दिग्गज के सामने खड़ा हूँ। बताइए अब सुजैल भाई, आपने इस इंडस्ट्री में इतना नाम कमाया, आप एक्टिंग भी करते हैं, डायरेक्शन भी करते हैं, फिल्म प्रोड्यूस भी किया आपने, मैंने सुना कि मुंबई टू आगरा एक फिल्म आपने प्रोड्यूस किया है, इतना सब काम, क्योंकि यहां तो एक खाली एक काम खाली एक्टिंग करना इतना मुश्किल होता है, लेकिन प्रोड्यूसर बनना तो अपने आप में ऐसा लगता है दांतों से पसीना आ जाए, आपने वो काम कैसे किया ये बताइए। मैं फिल्म का प्रोड्यूसर लोगों की नजरों में हूं, सच्चाई अगर मानी जाए तो फिल्म के प्रोड्यूसर आप भी हैं, संजीव शर्मा भी हैं,
और राजा का आपसे भी है, मेरे तमाम दोस्त है, भूपेंद्र भाई भी हैं, पंकज धीरे जी भी हैं, कुलदीप सोनी जी भी हैं, ये सब प्रोड्यूसर हैं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे ये हिम्मत दी, आप लोगों ने मेरे साथ काम करने के लिए राजी हुए, आपने मुझसे पैसे के नाम पे कुछ नहीं बोला, आपने बोला कि हमारा छोटा भाई कुछ करना चाहता तो हम आपके लिए खड़े हैं। तो ऐसे महान लोग जब साथ में होंगे, तो मैं प्रोड्यूसर नहीं सर, मैं आर्टिस्ट हूँ, डायरेक्टर भी नहीं हूँ, डायरेक्टर अमिताभ कुमार जी, लेकिन हाँ उन्होंने बीच में फिल्म में कुछ उनकी पर्सनल काम से चले गए थे। तो ये कहानी मैंने बनाई थी मुंबई टू आगरा, एक स्ट्रगल लाइफ के ऊपर, जैसा आपने देखा है, तो उसमें हमारे सर ने, गिरीश थापर साहब ने, संजीव शर्मा जी ने और राजा काप ने, तीनों ने अलग अलग प्रोड्यूसर का रोल किया। ये एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर मैं, लोगों के पास चार पिलर होते हैं, मेरे पास ये तीन पिलर हैं, ये वो तीन पिलर हैं कि जिसके सहारे मैं कहीं भी निकल जाता हूँ। मुझे मुंबई में आके आप लोगों के पास जब मैं आया हूँ, तो मुझे तीन बड़े भाई मिल गए, राजा काप जी से थोड़ी कम मुलाकात होती है, लेकिन मेरे दो भाई मेरे बहुत ज्यादा अजीज हैं, जिनके बिना तो मैं कोई पार्टी नहीं होती है, और जिनसे मैं जब तक कोई चुगली नहीं कर लेता हूँ वो पूरी नहीं होती, वो एक संजीव शर्मा जी और गिरीश थापर। ये देखिए, ये चुगली और ये जो आपस में मन मुटाव होता नहीं है, लेकिन क्या होता है ना, जो आदमी ज्यादा मोहब्बत करता ना, अगर आपने किसी का देखना कि वो कितना गुस्सा करता है, अगर उसका देखना कितना मोहब्बत करता है, तो एक बार उसका गुस्सा देख लो, तो कहते हैं जिस शिद्दत से वो गुस्सा करता है उसी शिद्दत से आपसे मोहब्बत भी करता है, लेकिन क्योंकि आप खुद बहुत प्यारे इंसान हैं। आपने उस दौर में, मैं आपसे मुलाकात हुई जिस दौर में पूरा देश अपने घरों के अंदर बैठा हुआ था, लॉकडाउन के अंदर, तीन साल के अंदर आपने उस जुनून, उस पागलपन, उस फायर के अपने घर से लगभग 450 इंटरव्यू किए, इतना मुश्किल काम घर बैठ के आपने किया कि उनको क्वेश्चन भेजिए और वो इंटरव्यू और आपने एडिट किया, करना तो वो आपने, आपके दिमाग में वो चीज कैसे आई कि मैं ये काम कर सकता हूँ यहाँ पे? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं न्यूज देख रहा था, न्यूज में मैं बहुत कम टीवी न्यूज वगैरह देखा, न्यूज देख रहा था, लोग हाहाकार और रो रहे हैं, मतलब परेशान है। तो मैंने सोचा यार, इन लोगों को थोड़ा सा इनका दिमाग, मतलब दिमाग को कैसे घुमाया जाए, तो मैंने बोला कुछ ऐसा करो कि सबको किसी ना किसी छोटे मोटे काम में लगा दो। तो मैंने दो शो बनाए, मेरी कहानी मेरी जुबानी और माय फेवरेट मॉम नाम से बच्चों का। तो मैंने माँ और बच्चों का लगाया, मैंने उनकी माँ लोगों जो मेरे दोस्त हैं, उनकी वाइफ है जो भी, उनको मैंने फोन किया, मैंने काम करो अपने बच्चे का छोटा सा ऑडिशन टाइप का, जिन्हें बच्चे एक्टिंग करे, डांस कुछ भी बना के भेजो। तो उससे यह हुआ कि बोलो कि दिनचर्या काम में लग गए, मुझे उनके ऑडिशन अच्छे आते थे, मैं फिर भी बोलता नहीं, मजा नहीं आता कि वो फिर, ताकि बच्चे टीवी ना देखें, कोरोना की चीजें ना घबराएं। ऐसे मेरे जो एक्टर दोस्त थे, तो सबको लग्जरी लाइफ जी रहे, अचानक से जिंदगी थम गई, तो उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैंने शो प्लान किया, मैंने कम से कम वो लोग भी तो पुराने चावल होना रहे उनके, वो लोग भी तो लग जाएंगे। इस तरीके से शो चला, तो जब मुझे नहीं पता कि लोगों की रात में दुआएं मिलने लगी, वो शो ऐसे बना। सुनील खान साहब, आपने वो काम किया था उस लॉकडाउन के दौरान, लोग किसी को सामान बांट रहे थे, कोई इंजेक्शन की खोज में निकल रहा था, कोई ऑक्सीजन की खोज में, लेकिन आपने घर बैठकर लोगों को हंसाना, कहते ना कि मेरे घर से मंदिर मस्जिद बहुत दूर है, चल किसी रोते बच्चे को हंसा दिया जाए। आपने उस दौरान वो काम किया, लोगों को ऑक्सीजन का काम आपने अपने इस शो के माध्यम से दिया था, इसके लिए आप बधाई के पात्र भी हैं। वो इतने लोगों का आपने उस दौरान इंटरव्यू किया। ये मैं अगले सवाल पर आता हूँ, सवाल से पहले बता हूँ, उस शो से साथ साथ हम लोगों ने एक चीज करवाई थी, तीन टोपे नाम से कॉमेडी सीरीज, जिसमें संजीव शर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान था। संजीव शर्मा जी को यकीन नहीं हो रहा था कि हाउ कैन पॉसिबल, कहते ना कैसे संभव है कि मैं यहाँ पे, आप वहां पर, और हमारी क्या नाम है लड़की करण चोपड़ा, वो दिल्ली में, वो कहीं पर राजा, आपसे कैसे होगा? तो मैंने बोला सर ऐसे, तो एक प्लान किया, संजीव शर्मा जी को डायलॉग पहुंचते थे, डायलॉग बना के वीडियो भेजते थे, फिर उधर उसके बाद उसको एडिट करना बहुत बड़ा काम होता था, वो उससे लोग बहुत हंसे। वही मैं कहना चाह रहा था कि आपने तीन टॉपिक बनाई थी, उसके बाद इंटरव्यू लिया, आप अपने घर बैठे हैं, इंटरव्यू वाला अपने घर बैठा है, उसके बाद आपने जिस तरीके से वो काम किया, आप उसके लिए मैं खुद बोलता हूँ कि आपने उस दौरान कोविड के दौरान जब लोग बहुत परेशान थे, दुखी थे, कहीं आ जा नहीं सकते थे, आपने उनको मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराए, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। अब अगला सवाल यह आता है कि आप इस इंडस्ट्री में लगभग 12-15 साल 20 साल से लगभग हैं, और आपने ऐसा कोई करेक्टर नहीं है जो आपने ना किया हो, आपने कोई टीवी सीरियल भी किए, एड भी किए, वेब सीरीज भी की, फिल्में भी की, आपको सबसे ज्यादा मजा किस में आता है करने? मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है सीरियल में। अरे वाह, उसमें क्या होता है, पहली बात तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ लोगों को कंटिन्यू काम चाहिए होता है, और मैं कंटिन्यू काम नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं एक जगह जाकर बोर हो जाता हूँ। ये मेरी स्थिति में लगी है, ये मुझे नहीं चाहिए कंटिन्यूटी काम, हमें तो मंडे टू ठीक है, हमें जगह खाने मजा आता है, रोज एक सी शक्ल सरकारी नौकरी जैसे काम करना ही नहीं, मतलब वो एक तरह का मंत्री नौकरी लगती है, गए और साइन करे और तुम्हारा वो गया, तो बहुत ज्यादा में सीरियल अच्छा। सुनील खान साहब, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि गर्मी बहुत है, तो इसी बहाने अभी हम दर्शकों से थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा विश्राम लेते हैं, आप कहीं नहीं जाइएगा, हम तुरंत वापस आते हैं। एक एक बियर सर,
फैमिली शो है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये बियर, अरे बियर नहीं बोला मैं, मतलब बिस्लरी पीकर, अच्छा। पानी पीकर प्यास और लगी और फिसल की जुबान। मैं माफी चाहता हूँ दर्शकों आपसे, बियर नहीं पीना क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत खराब है। ना शराब पीना, ना बियर पीना, ना तंबाकू खाना, ये सब चीजें सेहत के लिए बहुत खराब है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि सिर्फ नींबू पानी पीजिए, नारियल पानी पीजिए, गर्मी को दूर भगाइए। पर यहाँ तो सादा पानी आई है। आईएसके फिल्म एंटरटेनमेंट प्रेजेंट मेरी कहानी मेरी जुबानी टॉक शो। अगर आपके पास कोई कहानी है जो आप अपनी जुबानी सुनाना चाहते हैं तो आइए हमारे शो को ज्वाइन कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। सुहेल खान साहब एक बहुत बड़ा शेर है कि मुंबई की रेत पर मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुंबई की रेत पर मुझे एड़ियां रगड़ने दे, हमें यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। क्या आपको इस तरह का यकीन था कि आप मेहनत मशक्कत करेंगे और आपको वो मुकाम हासिल होगा? जैसे बाकी लोग, मैंने सुना है कि मुंबई में लोग आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मशक्कत करते हैं, बहुत ज्यादा मतलब भागते दौड़ते हैं, लेकिन काम उन्हें बहुत मुश्किल से मिलता है। क्या आपके साथ भी ये सब चीजें हुई थी कि काम मिलने में प्रॉब्लम हुई थी? तो अगर काम मिला तो कैसे मिला, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं कि अगर उन्हें भी अगर इस लाइन में आए तो कैसे इस काम को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, काम मिलना ही था मुझे, एक्चुअली मुझे अल्लाह पे यकीन था और ऊपर वाले ईश्वर भगवान वाहेगुरु जो भी आप मानते हैं, ऊपर वाले पे यकीन था, अपने पे भरोसा था और कहीं ना कहीं डर था क्योंकि घर से भाग के आया था, तो डर था घर जाऊंगा कैसे जाऊंगा। और एक चीजें और भी सुनाई में आती थी कि कुछ लोग मेरे घर वालों को ताने मारते थे, मेरी मम्मी वगैरह को, ये कुत्ते बिल्ली भी टीवी पे आ रहे हैं, तुम्हारा बेटा कब आएगा, ये सारे है ना, कुआ तुम्हारा बेटा तो हीरो बनने गया। ये बातें हैं जब मुझे, जब इस जमाने मोबाइल वगैरह नहीं हुआ करते थे ज्यादा, मतलब थे लेकिन हमारी औकात नहीं थी, आपको सही बताएं तो ये लैंडलाइन वाले फोन होते, सिक्के डालने वाले फोन होते थे, तो उससे हमें घर के पड़ोसी पड़ोसी से फोन बंद होती थी तो हमें चीजें मिलती, तो और दिल में होगी कि यार नहीं अब तो मरेंगे जी कुछ करके, मतलब ऐसा रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करे सुबाए। जो निंदक लोगों ने आपकी जो आलोचना की, वो आलोचनाओं से मुझे लगता है कि आपको उससे ही बल मिला होगा, यहाँ पर कुछ कर गुजरने की एक शक्ति मिली होगी। देखिए, शुरुआत जो हुई, हाजी दरगाह पे गया था मैं, क्या बात, तो वहां पे मैं चिरागी कर रहा था, बहुत नाम सुना था कि बाबा है अपने अपने ये मुम्मा देवी मंदिर, मुम्मा देवी मुंबई की देवी है, मुंबई बहुत हाल में देवी है। मैं मुस्लिम लोगों ने बोला रहे, मैंने बोला भाई मुंबई की देवी है और कलाकारों के लिए उनका हमेशा आशीर्वाद रहा है, और हाजी अली बाबा एक समुद्र पे बैठे हैं वो सबको बड़ों का आशीर्वाद तो लेना चाहिए। तो मैं वहां गया तो मेरी मुलाकात हुई थी एक अशोक पंजाबी जी थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, तब उनसे मैं मिला तो उनकी गाड़ी पे मैंने कपड़ा पड़ा मार दिया, साफ साफ कर दी, तो उन्होंने मुझे पैसे देने लगे, मैंने उनसे 20 रुपए मांगे कि मुझे 20 रुपए की जरूरत थी वहां तक कहीं जाने की, तो बोलते क्या करते हो, मैंने कुछ नहीं, मतलब यहाँ मैंने उनको सब सच्चाई बता दी, शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको बता दी, तो मुझे अपने साथ ले गए, तो उन्होंने मुझे अपने घर पे रखा, मैंने उनके झूठे बर्तन भी धोए, चाय पानी नाश्ता ही बनाया, मुझे नहीं, मेरे घर में गिलास भी उठाता नहीं पीने के लिए, मैंने उनको सब किया क्योंकि मुझे रुकना है, खाना है, कुछ करना है, वो सब किया। उसके बाद उनके कपड़े वपड़े धोए, उनके साथ भी शूटिंग के जाते गए थे, वहां पर एक लड़का था जो कि कैरेक्टर कर रहा था वॉचमैन का, वो नहीं आया था, तो वहाँ पे बहुत सारा लड़ाई झगड़ा कुछ हो रहा था, तो पंजाबी साहब बोले कि ये इसको ले लो, तो उन्होंने बोला ये, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि एक्टिंग कर लोगे, तो मेरा पहला जवाब था आप भी सुन के हंसेंगे, कैमरा लगाओ। हाँ, तो उन्होंने बोला कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस, मैंने ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, जब मैं यही करने आया हूँ और तो मुझे मौका मिल रहा था, आप कैमरा लगाओ, अगर आज सुहेल खान यहाँ पे कुछ कर गया तो मुझे लगता है सर पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, वॉचमैन हो कुछ भी हो। मैंने किया जो उनके नीम सूत थे हमारी, जो हमारे उन्होंने हमें कहा सर ये लाइन है, लाइन भी बहुत इजी, बहुत ज़्यादा बड़ी लाइन थी कि गरीब होना कसूर नहीं है, गरीब हो गए गरीब बनना बहुत बड़ा कसूर है, इस टाइप की लाइन थी, वो सीला का नाम था क्या होगा नीमों का। उसके बाद मैंने वहाँ से शुरुआत हुई पंजाबी जी के थ्रू, उसके बाद मैंने बालाजी के कहीं किसी रोज़ काबंजलि कुटुंब कयामत क्योंकि शादी बहुत थी शी को ये कुमकुम भाग्य कुंडली भाग्य, लेकिन आज तक मैं उनके शो कर रहा हूँ। क्या बात है, उससे एंट्री की, डीडी बन के शोज किए, बहुत सारे शोज किए, मेहनत तो बहुत की। अब कोई मुझे झूठ मूठ भी कहता ना, जैसे आपने मुझे सुजील जी वहाँ पे ऑडिशन चल रहा है, मैं सच में चले जाता था। कई बार लोगों ने मुझे झूठ बोला, लेकिन कभी क्या हुआ कि मैं वहां गया, उन्होंने बोला कि इसको भगा देंगे और वहां मैं काम करा। इसी तरीके से एक मूवी के लिए मैं जा रहा था तो उन्होंने बोला वहां कुछ नहीं होगा, मैंने बोला एक बार ट्राई कर लेता, मैंने एक बार चलती है ये मेरी जिंदगी कुछ कुछ अच्छा हो जाए। वो फिल्म अभी तक थिएटर में नहीं आई, लेकिन मैं उसके लिए गया, मैंने बोला सर वो मैं काम के लिए आया था, कह रहा वैसे तो ऑडिशन हो चुके हैं लेकिन फिर भी एक बाजू में एक ऑडिशन चल रहा है, वो एक ऐड का है, आप जाओ तो मैं हो सकता है बात कर लो। मैं वहाँ चला गया, मैं पब्लिक के सामने कहलूँ, मैं ऐसे अपना बैठ खड़ा हो गया, तो बोले कि आप आ जाइए, मैंने सर मैं यहाँ, आप आ जाइए, आप
मैं सर मैं ऑडिशन के लिए, अरे आप आइए तो। मैंने सर बोलिए कि एक एक मैं सिचुएशन आपको बताता हूँ, एक्चुअली अभी मैं आपको पूरा बाद में बताऊंगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक गरीब आदमी है और उसके सामने से एक लग्जरी गाड़ी निकलेगी तो सपने देखेगा। अब उन्होंने तो दुखती नस पे आ सकती है, अब गरीब आदमी वही चीज़ तो उन्होंने कैप्चर किया। उसके बाद बोले सर आप क्या लेंगे बजट बताइए। वो स्कोडा कार का एड था, उसके लिए मुझे 25,000 रुपये मिले। बहुत बढ़िया, पनवेल शूट करने गया था। उसके बाद इस तरीके से मैं आगे बढ़ता गया। तो इतना है सर कि अगर आप कुछ करने आए तो जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा क्या बात है। वैसे भी कहा जाता है कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल की ओर, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। आपके साथ ये लाइन बिल्कुल मुफीद बैठती है और दुष्यंत जी की दो लाइनें भी आपके ऊपर बिल्कुल फिट बैठती हैं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। उस पत्थर को सुजैल भाई ने उछाला और ऊपर वाले के करम से आज सुजैल भाई एक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं। ये एज ए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, एक्टर, लिरिक्स राइटर, मतलब इन्होंने हर विधा में अपने आप में महारत हासिल किया और अभी तो एंकरिंग भी बहुत जोरदार करते हैं जो हम उसके मुकाबले नहीं करते। सीखूंगा भाई लेकिन अब मैं लास्ट में सुजैल भाई आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो नए लोग, नए बच्चे अपने अपने शहर से मुंबई शहर में आना चाहते हैं, इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, उनका जुनून है, उनका जज्बा, उनकी फायर है, उनके लिए आप क्या नसीहत देना चाहते हैं, उन्हें क्या सलाह देना चाहते हैं और उसके बाद एक बेहतरीन सा संदेश हमारे दर्शकों के लिए। देखिए मैसेज तो ये है, एक हमारे बड़े भाई हमारे एक्टर हैं संजीव शर्मा जी, जो कि कर कुछ और रहे थे इंडस्ट्री में, कुछ और आगे करने लगे, आज एक बड़ा नाम बन गया। आप इंडस्ट्री में आपने सोचा करना नहीं लेकिन आज आपने बहुत बड़ा नाम बना लिया। तो इनकी किस्मत, ये लोग ऐसे घिसके अलादीन के चिराग से एक्टर नहीं बने, संजीव शर्मा जी या गिरीश थापर, इनकी बहुत बड़ी जर्नी, बहुत बड़ी मेहनत है। जरा इनके पैरों के वो छाले आपको गवाही देंगे कि इन्होंने कितनी मेहनत की है। आज कोई कहता है ना कि गिरीश थापा जी, संजीव शर्मा जी बड़े बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, इन्होंने बहुत लोगों की सेवाएं की हैं, बहुत लोगों की मदद की है, बहुत लोगों को इन्होंने प्यार दिया, प्यार दुआओं से ये हैं। तो इन्हीं लोगों को सीख के मैंने वो चीज़ आगे बढ़ाई। तो इतना कहना चाहूँगा, सबसे बड़ी पहले तो आप पढ़ाई लिखाई करिए, क्योंकि इंडस्ट्री में पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, जो ये चीज़ें मेरे पास बहुत कम है। तो कहीं कहीं और आपको गाड़ी की ड्राइविंग आनी चाहिए, मतलब अगर एज अ एक्टर लीड में कुछ करना है सर तो आपको सारी तैयारी करके आनी है। और सबसे बड़ी बात, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके आना चाहिए, अपने बुजुर्गों की दुआएं लेके आना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। और अगर आप में टैलेंट है और आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं तो आइए, और मुंबई आने के बाद सही दिशा में सही जगह पर चलिए, सही जगह पर। एक बार इंसान भगाएगा, दो बार भगाएगा, 10 बार अंत में आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन कुछ लोग मुंबई आते हैं वर्सोवा बीच के पीछे बैठ के पत्थरों में शराब या गर्लफ्रेंड से बनाते हैं, और ये सब करने के बाद आप ऊपर वाले को दोष देते हैं कि हमें नसीब बेकार है। नसीब ऊपर वाले ने कभी किसी खराब नहीं बनाया, आप अपने कर्म ही खराब करोगे। जब कर्म आपका खराब होगा तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए अपने कर्म अच्छे रखिए, एक दूसरे की मदद करिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, दुआएं लीजिए, और सबसे बड़ी बात अगर आगे बढ़ना है तो एक अच्छी एक्टिंग आप करिए और निराश मत होइए, आज नहीं तो कल मिलेगा। बस मैं कहना चाहूंगा बिल्कुल सही कहा सुजैल भाई आपने, इन बातों से हमें भी इमोशनल कर दिया। क्योंकि जो कुछ भी पूछना है ना कि हम कितनी मेहनत करते हैं, पूछो हम फनकारों से कैसे लोहा काट रहे हैं हम कागज की तलवारों से, उस मेहनत, उस जुनून, उस जज्बे को लेकर। और हम, मैं संजीव जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काम में लगाया। और सुजैल भाई आपने जो बातें बताई दर्शकों को शायद बहुत अच्छी लगेंगी और उनको एक मैसेज मिलेगा। अंत में हम यही कलाकारों के बारे में कहेंगे, संजीव जी, राजा भाई और सुजैल जी के लिए, कि जब फैसला कर लिया ऊंची उड़ान का तो फिर क्या कद देखना आसमान का। और हम कलाकारों के लिए यही कहेंगे कि मिट्टी है तो पल भर में बिखर जाएंगे हम, मिट्टी है तो पल भर में बिखर जाएंगे हम, खुशबू हैं तो हर दौर को महकाएंगे हम रूहे सफ़र हैं, हमें नामों से ना जान, कल फिर किसी और नाम से आ जाएंगे हम। जय हिंद, जय भारत। आप खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, रब तनु राजी रखे, रूतवाड़ी ताज़ी रखे, तुआडे हथ हमेशा बाजी रखे। सर ये एपिसोड पसंद आया हो, सर की एंकरिंग पसंद आई हो, इनको होस्ट करने का तरीका पसंद है, और संजीव शर्मा जी को कट पसंद आयो, ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं करना इनके ऊपर है, लेकिन ये कमेंट जरूर करें कि संजीव शर्मा जी के एंकरिंग स्टाइल या फिर थापर साहब होस्ट या फिर मेरे जवाब अच्छे लगे, नाम जरूर डालिएगा, ये तीनों में कंपटीशन है। या